कनाडा मामले पर पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात, विदेश मंत्री ने पीएम मोदी को दी जानकारी। कनाडा में रह रहे भारतीय लोगों के लिए भारत सरकार की एडवाइजरी जारी, भारतीय छात्रों को सावधानी बरतने की सलाह दी। कनाडा के सिंगर शुभ का विरोध, भारत के 10 शहरों में शो रद्द, खालिस्तान का समर्थन करने का आरोप। भारत पर आरोपों को लेकर के घिरे कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के विपक्षी पार्टी ने मांगे सबूत। निजर हत्याकांड पर अमेरिका, ब्रिटेन ने बिना भारत का नाम लिए जांच कराने की बात कही है, ऑस्ट्रेलिया की टिप्पणी का करने से इनकार। कनाडा में 25 सितंबर को भारत के खिलाफ रैली, सूत्रों के हवाले से खबर, खालिस्तान के समर्थन में रैली का आयोजन। कनाडा के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा ट्रूडो के पास सबूत हैं तो बताएं, बेवजह रिश्ते खराब ना करें। कनाडा के साथ रिश्तों पर भारतीय सेना का बयान, सैन्य रिश्तों पर नहीं पड़ेगा प्रभाव, 26 और 27 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे कनाडा के सीडीएस। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2023 पर चर्चा जारी है, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की चर्चा की शुरुआत। संसद में महिला आरक्षण पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी जानकारी, लोकसभा विधानसभा में होगा 33% आरक्षण। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल को बताया राजनीति में समानता लाने की कोशिश, कहा महिला सशक्तिकरण के लिए ये बिल अहम है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिल का किया समर्थन, कहा पहली बार राजीव गांधी लाए थे बिल। बिल के स्वरूप पर सोनिया गांधी ने उठाया सवाल, कहा एसटी एससी और ओबीसी को भी आरक्षण में किया जाए शामिल, बिल में देरी, महिलाओं के साथ होगी नाइंसाफी। सोनिया गांधी ने की बिल को जल्द अमल में लाने की मांग, कहा बिल को जल्द लागू किया जाए। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसदों का हंगामा, गृहमंत्री अमित शाह ने कसा तंज, कहा शायद अधीर रंजन को जलन हो रही है। लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने बिल के लिए पीएम मोदी को दी बधाई, कहा पीएम मोदी ने महिलाओं को सम्मान दिया। बिल में ओबीसी आरक्षण को लेकर के विपक्ष पर निशिकांत दुबे का पलटवार, बोले पंचायतों में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया लेकिन राजनीति के लिए मुद्दा उठा रहे हैं। सोनिया गांधी को निशिकांत दुबे का जवाब, कहा महिला आरक्षण बिल कांग्रेस का नहीं, गीता मुखर्जी सुषमा स्वराज को दिया श्रेय। निशिकांत दुबे का सोनिया गांधी पर बड़ा आरोप, कहा सोनिया जी ने एमपी यशवीर सिंह का पकड़ा था कॉलर, मैंने घटना का किया था विरोध। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बिल के लिए सरकार का जताया आभार, कहा कल का दिन ऐतिहासिक था। स्मृति ईरानी ने कहा 1971 में कमेटी का हुआ था गठन, 1974 में रिपोर्ट सौंपी, कमेटी ने की थी महिला आरक्षण की वकालत। स्मृति ईरानी ने बीजेपी को बताया महिला आरक्षण देने वाली पार्टी, साधारण परिवार की महिलाओं को मिलेगा मौका। स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर निशाना, संविधान तोड़ने को बताया कांग्रेस की आदत, कहा महिला आरक्षण पर भ्रम फैला रहा विपक्ष। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने महिला आरक्षण बिल को बताया 26 साल पुराना, कहा ओबीसी आरक्षण की मांग गलत नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव ने भी किया बिल का समर्थन, ओबीसी को अलग से कोटा देने की मांग की। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने महिला आरक्षण बिल को बताया सरकारी जुमला, बोले विपक्षी गठबंधन से घबरा गई है केंद्र सरकार। महिला आरक्षण बिल पर बोली बीएसपी सुप्रीमो मायावती, अगले 15 साल तक नहीं मिलेगा आरक्षण, जनगणना के बाद ही लागू हो पाएगा बिल। मायावती ने बिल को लेकर के सरकार की नीयत पर उठाए सवाल, कहा महिलाओं को लुभाने के लिए लाया गया बिल। बीजेपी सांसद महेश जेठमलानी का कांग्रेस पर पलटवार, कहा महिला आरक्षण बिल आने से कांग्रेस सदमे में है। महिला आरक्षण बिल पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा नया नहीं है महिला आरक्षण बिल, 2010 में बिल को पेश किया गया था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का सरकार पर बड़ा आरोप, संविधान की जो कॉपी मिली उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द नहीं। अधीर रंजन चौधरी के आरोपों का बीजेपी नेता सुशील मोदी ने दिया जवाब, कहा संविधान की दी गई है मूल प्रति, संशोधित कॉपी में होंगे दोनों शब्द। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप, कहा छत्तीसगढ़ में खुलेआम हो रहा धर्मांतरण। उत्तर प्रदेश में नए विधानसभा भवन को लेकर के जल्द रखी जाएगी आधारशिला, सूत्रों के मुताबिक 25 दिसंबर को अटल जयंती पर हो सकता है शिलान्यास। नए विधानसभा को बनाने में करीब 3000 करोड़ रुपए की आएगी लागत, यूपी के 2023-24 के बजट में किया गया प्रावधान।
दिल्ली में सर्वे ऑफ इंडिया के कर्मचारी की हत्या का खुलासा हुआ। सहकर्मी अनीश ने वारदात को दिया था अंजाम, घर में दफनाया था शव। मथुरा आगरा जामा मस्जिद में एएसआई सर्वे की मांग, कल आगरा कोर्ट में होगी सुनवाई। कथावाचक देवकी नंदन ने दायर की है याचिका। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मुकेश सिंह को आईटीबीपी का आईजी नियुक्त किया गया। जम्मू क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक के रूप में कर चुके हैं काम। यूपी सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का किया गठन। समिति में यूपी बार काउंसिल के द्वारा नामित सदस्य होंगे शामिल। यूपी के बाराबंकी में महिला आरक्षण बिल पेश होने पर जश्न, महिलाओं ने बिल को बताया ऐतिहासिक।